जीएसटी काउंसिल में जीएसटी लागू होने पर राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। इसके तहत राजस्व का आकलन करने के लिए बेस ईयर 2015-16 होगा और इससे पहले 5 साल में हर एक राज्य की विकास दर को 14% की दर के आधार पर तय किया जाएगा। बैठक में जीएसटी टैक्स के लिए 4 स्लैब 6, 12, 18 और 26% की दर से तय करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसमें खाने पीने की चीजों को टैक्स के दायरे में बाहर रखने, साथ ही आम इस्तेमाल के 50% सामानों पर टैक्स से छूट देने का कम स्लैब में रखने का प्रस्ताव रखा गया है। काउंसिल की बैठक आज भी होगी। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का नया वीडियो सामने आया है जिसमें मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने जवानों से हथियार छीनने की वारदात का समर्थन किया है। जाकिर मूसा ने कश्मीरी पंडितों से भी कश्मीर में वापस आने की अपील की है और कहा है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। हिजबुल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है लेकिन ये कब का है ये साफ नहीं है। जाकिर मूसा को बुरहान वानी की मौत के बाद हिजबुल का नया कमांडर बताया गया है। सरकार ने कहा है कि एलओसी के पार कार्रवाई पहले भी हुई है लेकिन सीमित दायरे में। विदेश मामलों की स्थायी समिति की बैठक में विदेश सचिव एस जयशंकर ने खुलासा किया। बैठक में विदेश सचिव के अलावा रक्षा सचिव, सेना के उपप्रमुख और बीएसएफ के डीजी ने सांसदों को सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक सेना ने सांसदों को सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं दिया। बैठक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे लेकिन उन्होंने ना तो कुछ कहा ना कुछ पूछा। कांग्रेस के करण सिंह, सत्यव्रत चतुर्वेदी, सीपीएम के मोहम्मद सलीम और एनसीपी के डीजीपी त्रिपाठी ने कुछ पूछताछ की। जम्मू कश्मीर में शायद पहली बार एक रेड के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों के ठिकानों से चीन के झंडे मिले हैं। सेना के मुताबिक 17 अक्टूबर को बारामूला में 12 घंटे में 700 से अधिक घरों में तलाशी अभियान चलाया गया जिसके तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर पर बलूचिस्तान और पीओके के लोगों के विरोध के बाद अब पाकिस्तानी सांसदों को डर सताने लगा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर पाकिस्तान को गुलाम बना देगा। पाकिस्तान सीनेट की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड कमेटी की मीटिंग में चेयरमैन ताहिर माशदी ने कहा है कि कॉरिडोर में चीन के फायदे ज्यादा है और पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब को फायदा पहुंच रहा है, बाकी राज्यों को कुछ भी नहीं। आईएमएफ ने साफ किया है कि पाकिस्तान अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसे गंभीर नतीजे झेलने पड़ सकते हैं। हिंदुत्व को जीवन शैली बताने के 2 दशक पुराने फैसले पर पुनर्विचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। ये सुनवाई चुनावी फायदे के लिए धर्म के दुरुपयोग को लेकर आखिरी फैसला देने के मद्देनजर की जा रही है। मंगलवार को सुनवाई में चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुवाई में 7 जजों की बेंच में इस मामले में अटॉर्नी जनरल की सलाह देने की मांग ठुकरा दी। तीस सितंबर तक काले धन की घोषणा न करने वालों पर अब सरकार कार्रवाई करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 12,000 लोगों की लिस्ट तैयार की है। इसमें करीब 2,000 लोगों के खिलाफ सरकार के पास पुख्ता सबूत है। सरकार अक्टूबर से जनवरी तक ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। मुर्शिदाबाद से कोलकाता लौटते वक्त सिंगूर के पास उनकी कार एक ट्रक से टकराकर पलट गई जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के लिए दुआओं और पूजा का दौर जारी है। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर जयललिता के समर्थक दिन रात पूजा और हवन में जुटे हैं। मंगलवार को यहां सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री के लिए विशेष पूजा की। इस दौरान ये महिलाएं अपने सिर पर आग लेकर पूजा करती हुई नजर आई। दिल्ली हाई कोर्ट आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक याचिका पर फैसला सुना सकता है। इसमें उन्होंने खुद के खिलाफ दायर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की आपराधिक मानहानि याचिका पर सुनवाई को रोकने की अपील की है। मानहानि याचिका पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक मानहानि याचिका पर सुनवाई को रोकने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली में मंगलवार को प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि सुबह के वक्त मौसम ठंडा रहा और हवा भी नहीं चली, इसकी वजह से प्रदूषण का लेवल बढ़ गया। मौसम विभाग के प्रोजेक्ट सफर में PM 2.5 का लेवल 120.8 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया और PM 2.5 का नॉर्मल लेवल 60 mg/cm होता है। अगले दो दिनों में PM 2.5 का लेवल बढ़कर 127.8 mg/cm तक जा सकता है। फर्जी डिग्री विवाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में स्मृति के खिलाफ केस को खारिज कर दिया गया है। कमजोर सबूत और शिकायत में देरी के आधार पर केस को खारिज किया गया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता अहमद खान पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि शिकायतकर्ता ने बेवजह स्मृति ईरानी को परेशान करने के लिए केस दायर किया था। 1984 सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार की अर्जी का सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया। सज्जन कुमार ने सुनवाई दूसरे जज के पास ट्रांसफर की मांग की थी, जिस पर आपत्ति जताते हुए सीबीआई ने कहा है कि सज्जन कुमार जानबूझकर मामले को लटकाना चाहते हैं। एमसीडी चुनाव से पहले काफी ही पहले कांग्रेस इलेक्शन मोड में आ गई है। दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय माकन ने मेरी सरकार मेरी दिल्ली मेरे सपने से एक कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत 52,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से दिल्ली की परेशानियों पर सर्वे करेंगे और फिर विशेषज्ञों से उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी। नेशनल कबड्डी प्लेयर रोहित चिल्लर की पत्नी ललिता ने दिल्ली के नांगलोई में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में ललिता ने कबड्डी प्लेयर रोहित पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। ललिता ने सुसाइड नोट में लिखा है कि रोहित चिल्लर ने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बहुत रुलाया और कहता था कि मेरी खुशी के लिए जिंदगी से चले जाओ। मुंबई एयरपोर्ट के पास एक संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट की पायलट आशीष रंजन को मुंबई एयरपोर्ट के पास कुछ कुर्ला के पास ही ड्रोन दिखाई दिया गया, जिसके बाद तुरंत उन्होंने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी है। मुंबई की लोकल ट्रेन में महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के तौर पर लगाया गया लाल रंग का पैनिक बटन अब बंद किया जा सकता है। दरअसल ये बटन इमरजेंसी की हालत में महिलाओं की मदद के लिए लगाया गया था, लेकिन ज्यादातर महिलाएं इसे जानने के लिए इस बटन को दबा देती हैं, जिसके चलते ट्रेन 10 से 15 मिनट के बीच रुक जाती है और पीछे की ट्रेन लेट होने लगती है।